मस्ती कर रहे हैं। बहुत कहीं रोड पर नहीं है देखो दोस्तों, बड़े भाई एलिफेंट ले भाई निकाला हमें अभी, रेस्ट ऑफ पहुंचे भी नहीं है सामने, अभी नहीं एंट्री भी नहीं हुई निकाला में। वाह ये लो, तो हम पहुंच गए हैं निकाला। हेड वाली है, बच्चा था इसका, बच्चा दोस्तों। नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, आपका भाई जा रहा है दोस्तों इस वक्त निकाला, और निकाला जाने से पहले क्या बनता है, गर्जिया माता का आशीर्वाद लेना बनता है जी दोस्तों। सबसे पहले गर्जिया माता के दर्शन, उसके बाद जंगल सफारी, ए वेरी माई आशीर्वाद देना सभी वाइल्ड एनिमल्स की, अच्छी साइडिंग हुई जय गर्जिया माता, जल्दी आऊँगा। पहले दर्शन इधर फिर सफारी, हाँ जय माता दी, ओम नमः शिवाय, पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया। चल दोस्तों वाइल्ड लाइफ की, वाइल्ड एनिमल्स की अच्छी साइडिंग करके आएंगे, सब सब जानवर जितने भी हैं, गजराज जी के दर्शन पहले करेंगे। जब भी आओ मैं तो आपको कहूँगा माथा टेक के ही जाना, जो मनोकामना होगी पूर्ण हो जाएगी। ये माता जी का प्रसाद, सबका मुँह मीठा करा दिया। ये देखिए दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं धनगढ़ी गेट, विश्व प्रसिद्ध निकाला जाने के लिए। ये निकाला ये हमारे देवता, हमारे भगवान जिम कॉर्बेट साहब। ये दोस्तों सबसे पहले अपना परमिट चेक कराते हैं ये ऑफिस में, जो लेके जाना है सामान उसका, जो कचरा होगा गार्बेज बैग में लेके आना है, 70 रुपीज़ का बैग है ये, तो अंदर कोई भी कचरा नहीं करना। सर नमस्कार, जेम्स एडवर्ड जिम 1955 में ये कीनिया में इनकी डेथ हुई थी दोस्तों, आखिरी सांस इन्होंने कीनिया में ली थी जो है। आज ये जंगल जो हैं कॉर्बेट साहब की देन है, जो इन्होंने बचाए हैं आप समझ लो दोस्तों, अगर ये उस टाइम ये रिजर्व ना होते तो आज इंसानों के घर होते दोस्तों इसके अंदर भी जो है। देखिए दोस्तों ये हमारा सौभाग्य है, एक बार फिर से हम लोग निकाला जा रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले देखिए सुल्तान आएगा, फिर गैरल, कोगडेल पूल, सरबदुली, चैम्पियन पूल, हाई बैंक, खिन्नौली। हमें दोस्तों यहाँ जाना है, यहाँ ये 31 किलोमीटर के सामने म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में आज तक गया ही नहीं हूँ, चलो कभी फ्यूचर में होगा टाइम तो दिखा देंगे आपको। ये देखिए आ गए अंदर से लक्की। दोस्तों आप ये समझ लो कि निकाला ऐसी जगह है जो वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ लवर हैं, जो वाइल्ड लाइफ व्लॉगर हैं, उनके लिए स्वर्ग है, स्वर्ग जन्नत। हमारे लिए दोस्तों जीते जी यही स्वर्ग है दोस्तों। ये जो चांस मिलता है यहाँ रहने का 31 किलोमीटर कोर के अंदर जो है, ये बहुत मुश्किल से परमिट मिलता है ये वाला जो है, उसके लिए लोगों को बहुत आपड़ बेलने पड़ते हैं, और कईयों को बहुत ईजीली मिल जाता है जिसमें हम हैं। चलो अंदर चलते हैं, करते हैं, देखते हैं क्या क्या वाइल्ड एनिमल मिलते हैं, आपको दिखाते हैं वीडियो में। यहाँ की कैंटीन है, आप शुरू में कुछ भी ब्रेकफास्ट कुछ करना चाहें यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका, और पानी वानी की बोतल लेनी हो, और उसके बाद इधर वॉशरूम भी है ये देखिए, और इसके बाद डायरेक्ट हमारी 31 किलोमीटर की यात्रा जो है निकाला तक की वो होगी। देखिए दोस्तों ये हमारी एंट्री हो गई धनगढ़ी गेट से निकाला के लिए, अब हमारी 31 किलोमीटर की यात्रा शुरू। दोस्तों निकाला मैं 2018 में पहली बार गया था, तब दोस्तों मैंने कैंटर सफारी करी थी यहाँ पे निकाला में, तो मैं बुकिंग करवा के नहीं आया था,
सफारी की एमरजेंसी में मैंने सफारी की तो मुझे कैंटर सफारी मिली थी अवेलेबल जो थी। उसके बाद में फिर दोबारा आया, मैंने गैरल किया, गैरल में नेक्स्ट डे की। जब गैरल में आया तब मुझे टाइगर दिख गया यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं आया 23 में आया, तब मैंने निकाला, मैं थ्री नाइट स्टे की थी। तो मुझे थ्री नाइट स्टे में समझो अच्छे से मैंने निकाला, दिखाया मुझे वाइल्ड लाइफ, दिखाई हर जगह की नॉलेज है मुझे भी। अगर गाइड नहीं हो तो मैं सारी जानकारी दे सकता हूँ आपको, कहाँ पे क्या है, कहाँ बिच्छू भौजी है, कहाँ पे मोटा साल है, कहाँ अच्छी तरह से घुमाएंगे दोस्तों आपको। ग्रासलैंड भी ओपन है और बाहर भी जाएंगे आज। आपको पता है आज की डेट में पेट वाली ने बच्चे दिए हुए हैं 3 और मार वाली के 4, वो भी अच्छी साइडिंग दे रही है। बाकी ग्रासलैंड में जो मेल है उसकी भी अच्छी साइडिंग हो रही है। बाकी यहाँ बड़े बड़े एलिफेंट के हर्ड मिलेंगे, स्पॉटेड डियर के झुंड मिलेंगे, भर भर के वाइल्ड लाइफ दिखेगी, बहुत मजा आने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों अभी अपनी सफारी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ नाइट स्टे कंपलसरी होता है, उसके लिए जिप्सी पे ही एंट्री होती है। अगर आपने डे विजिट में सफारी करनी तो आपको कैंटर पे आना पड़ेगा, तो इसका परमिट दोस्तों बहुत पहले कराना पड़ता है डिकाला का। समझो 1 मिनट का टाइम होता है जब ये खुलती है इसकी साइड जो है कॉर्बेट की, 1 मिनट के अंदर जितने भी रूम हैं सब बुक हो जाते हैं। पहले तो डिकाला बुक होता है, फिर सरबदुली है, कैरल है, लास्ट में जाके सुल्तान है। और हम जा रहे हैं तो पहले सुल्तान आएगा जो है, जो कि 6 किलोमीटर पे ही है। उसके बाद कैरल थोड़ा अंदर को है, फिर लास्ट फिर आएगा सरबदुली और लास्ट में आएगा डिकाला। देखिए दोस्तों ये है डिकाला की ब्यूटी, इतनी जबरदस्त यहाँ पे हरियाली है। एकदम घना जंगल, ये दोस्तों ये आ गया सुल्तान। सुल्तान दोस्तों एक डाकू था जो अपना लूटा हुआ माल यहीं छुपाता था आगे। कभी फ्यूचर में दोस्तों यहाँ बनेगा प्रोग्राम, बनाएंगे तो खाली इसको कवर करने के लिए। देखिए दोस्तों ये यहाँ से जो राइट रोड जा रही है, साइड रोड ये वाली, ये जा रही है गैरल, गैरल का एफ आर एच है 3 किलोमीटर यहाँ से। ये देखिए बहुत ही डेंस है ये जगह जो है, बहुत ही प्यारा एफ आर एच है। मुझे ऑप्शन थी गैरल और डिकाला की, मैं क्या मैं डिकाला ही जाऊँगा, गैरल नहीं, मेरे परमिट में गैरल और डिकाला दोनों लिखे थे, मैंने गैरल कटवा दिया। दोस्तों ये रामगंगा रिवर आ गई, यहाँ से भी कभी कभी टाइगर फाइटिंग हो जाती है। ब्यूटीफुल दोस्तों ये गजराज जी के दर्शन हो गए हमें। ये देखिए एक तो ये है, ये देखिए पानी में नहा रहे हैं, ये है दोस्तों वाइल्ड एनिमल के फ्ली घर, वो सूर निकाल लेगा ना बाहर। देखिए दोस्तों पूरा हर्ड है एलिफेंट का, ये देखिए। ओ भाई ये तो मीटिंग कर रहे हैं पानी में ही, मस्ती कर रहे हैं।
वाह 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 ब्यूटीफुल। देखो पानी के बहाव उनको साथ में ले जा रहे हैं। बाकी भी जा रहे हैं अंदर धीरे धीरे। बहुत सारे हैं और भी आ रहे हैं पीछे से। छोटा बच्चा है तो मजा है देख के उसको। यहाँ तभी सब वाइल्ड एनिमल यहाँ भर भर के मिलती है। पानी है टाइगर तो नहीं पीछे पीछे आ रहे कहीं। आती है एक बार बड़े बड़े एलिफेंट। मैं पीछे जाऊंगा आऊंगा तो नहीं मोबाइल में कहाँ पर रोक लेते हैं पानी बोतल निकालेंगे रोक लेते हैं जाओ जाओ भाई इसका फायर तो नहीं करिए अकेले ही अलग भी है जाएंगे धीरे धीरे जाएंगे। अब इसमें मगरमच्छ भी हैं देखो आप। इसमें क्रोकोडाइल भी हैं यहाँ पे देख रहे हैं। नहीं वो कहीं ना कहीं तो होंगे देखेंगे तो दिख जाएंगे ध्यान से। हाँ पर हाथी से तो डरेंगे ना वो भी। मजा आएगा देखिए दोस्तों। ये है इनकी रियल लाइफ जो हम कैप्चर करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक बड़े बड़े हाथी और छोटे हाथी में कितना फर्क होता है ना। छोटा कैसे मस्ती कर रहा है। मजा तो है। टाइगर भी आ जाए इधर। पहले ये पानी पिएगा देखना 50-100 लीटर एकदम खींचेगा। और चलिए दोस्तों कितनी बढ़िया आपको हमने साइटिंग दिखाई है एलिफेंट की। कितनी शानदार बहुत रेयर बहुत ही कम देखी जाती है दोस्तों ये साइटिंग। ये छह पॉसिबल इधर ही है निकाला में। मजा आ गया दोस्तों। ये आ गया सरदुल्ली। मुझे ये बहुत पसंद है दोस्तों सरदुल्ली गेस्ट हाउस जो है। ये देखिए सामने बहुत जल्दी दोस्तों यहाँ नाइट स्टे करने आ रहा हूँ मैं बहुत जल्दी क्योंकि मैंने सरदुल्ली आज तक रुका नहीं। बहुत ठंडी रहती है एवरी टाइम जगह ये वाली जो है। तो यहाँ टाइगर बैठते ही बैठता है यहाँ पे।
कितना सुंदर है नज़ारा। देखो पानी में सांप है, कुछ कछुआ है। देखिए दोस्तों ये आ गया किरनौली का रास्ता, VIP FRH। कोई भाई हमारे साथ किरनौली जा रहा रास्ता यहाँ से। डिकाला का बेस्ट पार्ट, डिकाला मेन रोड, डिकाला की बेस्ट पार्ट ये है मेन रोड। दोस्तों मार्च 2023 बहुत जबरदस्त हेडिंग हुई थी पेड़ वाली की उसी रोड पे। उस वक्त हम अभी डिकाला एंटर करे भी नहीं थे, मैं पहले ही पेड़ वाली की साइडिंग हो गई थी। आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, छोटी सी क्लिप देख लीजिए। ले भाई निकाला में अभी रेस्ट ऑफ पहुंचे भी नहीं है, सामने अभी नहीं एंट्री भी नहीं हुई निकाला में। वाह ले लो फिरोज भाई जी, लकी हो बहुत। मार्किंग कर रहा है, देखो मार्किंग कर रहा है। धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। ले भाई ले, थैंक यू भाई, तुम लकी हो मेरे लिए। सुनिए जी, थैंक यू सर, मजा आ गया था सही में। और हमने उसी टाइम हमने आइडिया लगा लिया था कि पेड़ वाली की मीटिंग कार रोड वाले मेल से हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर बच्चे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही हुआ, और उम्मीद करते हैं कि पेड़ वाली के बच्चे देख के जाएंगे दोस्तों, पेड़ वाली और पार वाली दोनों के, उम्मीद करते हैं। बाकी देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्या होता है तो ऊपर वाले को जो मंजूर होगा। देखिए दोस्तों एलिफेंट अभी क्रॉस कर रहे हैं रोड जो है, इनको पानी के लिए सांपर रोड पे जाना है। अभी हमें थोड़ा वेट करनी पड़ेगी नहीं तो ये भगा देंगे हम। तो पहले टांगे ला रहे हो तो बहुत बढ़िया। पीछे जैकल है, क्या है बार्किंग है जैको बार्किंग है बार्किंग। चलो वो रह गया देखना, ये देख लिया। ये दूसरे जंगलों में हाथी देखने को तरसते हैं और यहाँ ऐसे ही दिख जाते हैं, इतने अलर्ट है। हाँ बच्चे साथ है ना, घूम घूम के देख रही है गुस्से में। ये देखिए दोस्तों ये आ गई यहाँ की फायर लाइन, यहाँ बहुत जबरदस्त हाइडिंग होती है यहाँ से भी। अभी तो पूरा हरा है ना ग्रासलैंड। देखिए दोस्तों हम पहुंच गए हैं निकाला, हमारी सपनों की जगह निकाला। चलिए दोस्तों अभी एंटर हो गए हैं, ये सब जिप्सियां लाइन में लगी हुई हैं, सब अभी वेट विश्राम कर रहे हैं सब। पहले रिसेप्शन पे चलते हैं, एंट्री इधर होगी अपनी। दोस्तों सबसे पहले हम माय गॉड गाड़ी तेज भगाने से प्रतिबंध कर दिए गाड़ियों को,
पहले यहाँ एंट्री होगी दोस्तों हमारी, पहले देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ के रूल लिखे हुए सारे, टाइमिंग दिया हुआ है। यहाँ का भैया रूल, यहाँ के रूल पढ़ लीजिए। चलिए अपना परमिट चेक कराते हैं, रूम लेते हैं। ये रमदा का सामान है। तो एक एंट्री पहले गेट पे हुई थी और दूसरी एंट्री यहाँ हो गई है। सबसे लेट हम ही आए हैं दोस्तों। दोस्तों ड्रीम कम्स ट्रू हो गया, सपना पूरा देखिए निकाला आ रहा। एक ही बार ट्राई किया और हैंड टू हैंड हो गया। देखिए जबरदस्त फेंसिंग कर दी इन्होंने बिल्कुल। पहले तो लंबी लंबी तार होती थी, इन्होंने बिल्कुल अब तो चेक्स बना दिए दोस्तों। लास्ट टाइम मैं यहाँ रुका था ओल्ड एफआरएच में, यहाँ पे ये यहाँ की डोर बैटरी हो गई, ये यहाँ की होगी लाइब्रेरी, ये लिखा भी है, ये देखिए एलिफेंट माउंट हो गया। ओल्ड एफआरएच में रुके दोस्तों लास्ट टाइम हम, और ये हमारा इस पर है कैबिन 3, कैबिन में 3A रूम नंबर कौन सा था ये है कैबिन। पीछे हटमेंट है, इधर एनेक्सी थी, दिखाना भूल गया आपको, अच्छे से एक बार दिखा देंगे। और आज यहाँ पे बहुत कुछ दिखाने वाले हैं आपको। कैबिन 3A मेरे ख्याल ऊपर होगा, ऊपर से नज़ारा दिखाएंगे अब आपको। ये बी है, दीवारों की थोड़ी हालत खस्ता हुई पड़ी है भाई। ये देखिए पीछे राम गंगा रिवर, अरे इधर से तो पूरे पेट बड़े हो गए। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, इतने हाथी जिंदगी में देखे होंगे, मैंने 100 हाथी देखे हुए हैं एक सवारी में। मुझे लग रहा है आज इसका रिकॉर्ड टूटने वाला है, 150-200 हाथी दिखेंगे आज तो। इधर से देखिए हटमेंट दिख, इधर से हटमेंट दिख रही है जो 5 रूम पीछे की तरफ है, और ये ग्रासलैंड जो बंद था अब ओपन है। ये यहाँ पे सोफा चेयर टेबल, यहाँ का ड्रेसिंग हो गया, और ये यहाँ का वॉशरूम भाई निकाला। देख दोस्तों हम थोड़ा लेट हो गए, हम थोड़ा लेट हो गए जो है, उसमें क्या है, मेरे को 3 बजे का आइडिया था और